नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान इस्कान लॉन्च करता है। इंडिया की कई एयरफील्ड्स पर बम गिराए जाते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा। अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अंबाला, आगरा, श्रीनगर, टोटल में 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया जाता है। हमको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो पर एक मैसेज जारी करती हैं देश की जनता के लिए। ये कहती हैं कि इंडिया के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है। के समय बोल रही हूं। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक इंडिया रेड करती है और कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है दोस्तों इंडिया पाकिस्तान 1971 की। एक ऐसी वॉर जिसके अंत में एक नए देश का जन्म होता है, बांग्लादेश। क्या कारण था आखिर, क्यों हुई ये वॉर, क्यों बांग्लादेश आजादी चाहता था पाकिस्तान से, और इंडिया का क्या रोल आता है इस पूरी कहानी में, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। Gave people of Bangladesh their independence. Ebare Sangram, Amar Mukti Sangram. Ebare Sangram, Adilatar Sangram. Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. कहानी की शुरुआत करते हैं ब्रिटिश के पहले से, कोलोनियल टाइम से पहले। इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यानी आज के दिन का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा और श्रीलंका। इस पूरे एरिया में हजारों छोटे बड़े ऑटोनोमस किंगडम्स हुआ। राजाओं का रूल था, जिनकी अपनी लैंग्वेजेस होती थी, ट्रेडिशन होता था, अपना कल्चर होता। बंगाल का एरिया होता था स्पेसिफिकली, अगर सिर्फ बंगाल वाले एरिया की बात करें, यानी आज के दिन का बांग्लादेश प्लस वेस्ट बंगाल और इसके आसपास का कुछ एरिया। इस एरिया को करीब 13th century से मोस्टली मुस्लिम राजाओं के द्वारा रूल किया गया था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, उन्होंने मुस्लिम रूल को शुरू किया था इस एरिया में। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये जानने वाली है कि जो भी रूलर्स थे यहाँ पर, उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था अपने रिलीजन को प्रीच करने में। उनका फोकस इसमें बने रहता था कि कैसे वो लोकल कम्युनिटीज को सिस्टम का हिस्सा बना सके। तो इन मुस्लिम राजाओं के टाइम में भी जो बड़े हाई ऑफिस होल्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, वो अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड्स और ट्रेडिशन से आते थे। बेसिकली कहा जाए हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में जो को एग्जिस्टेंस थी और इंटरमिंगलिंग थी, वो इस एरिया में बहुत देखी गई। इसकी वजह से जो कट्टरवाद था, एक्सट्रीमिज्म था, वो काफी हद तक कंट्रोल में रहा। समय में आगे चले तो साल 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस एरिया को टेक ओवर कर लेती है, जिसको मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाया है। जिसके बाद 1947 तक ब्रिटिश रूल रहता है और फिर हमें देखने को मिलता है पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच। As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, carrying their few possessions, 1 million people become refugees. साल 1940 में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में रेजोल्यूशन बनाया जाता है, जिसमें डिमांड उठाई जाती है कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए। इनका डर ये, अगर एक ही देश बना रहेगा तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी बन जाएंगे और वो डर में जी। पार्टीशन करते वक्त रिलीजियस लाइंस पर बॉर्डर्स बनाने का मतलब ये था कि जो सोशल, कमर्शियल और कल्चरल संबंध थे लोगों के बीच में, उन्हें नजरअंदाज करना पड़ता। यानी बड़ी बड़ी स्टेट्स जहाँ पर कॉमन कल्चर्स थे, भाषाएं एक बोली जाती थी, उन्हें भी बांटा गया पार्टीशन की वजह से, बस इसलिए क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को डिवाइड करना है। इसके दो सबसे बड़े एग्जांपल हैं पंजाब और बंगाल। पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया, कुछ हिस्सा इंडिया में रहा, और सेम विद बंगाल, कुछ हिस्सा इंडिया में, कुछ हिस्सा पाकिस्तान। बंटवारा किया गया, पार्टीशन हुआ, तो बहुत से परिवार, बहुत से लोग डिस्प्लेस हो गए। एक भारी माइग्रेशन देखने को मिली, जिसमें कई मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हुए और कई हिंदू पाकिस्तान। पाकिस्तान एंड इंडिया ईच से दे आर डिटरमिंड टू स्टॉप द होलसेल रायटिंग, बट मीनवाइल क्योंकि बांग्लादेश के ज्यादा करीब है, तो बहुत से मुस्लिम जो बिहार में रह रहे थे, वो ईस्ट पाकिस्तान में माइग्रेट। अगर इस पार्टीशन का मतलब हो कि बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़े, लेकिन इस बंगाल में ही वेस्ट बंगाल का जो रीजन था, वहाँ रहने वाले लोग पार्टीशन चाहते थे और इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। दूसरी तरफ जो ईस्ट बंगाल वाला रीजन था, वो पार्टीशन नहीं चाहते थे, लेकिन अगर कोई पार्टीशन हो तो वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें। तो इवेंचुअली जब पार्टीशन हुआ, वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा बना और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना। पाकिस्तान के देश को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिनके बीच सेपरेशन 1500 किलोमीटर का था, और बीच में वो ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में थी। स्पेसिफिकली कहा जाए तो मुहाजिर्स और पंजाबी जो लोग थे। अब स्पेंड किया जाता था, इवन दो 62% जो रेवेन्यू इनकम आ रहा था सरकार के पास, वो ईस्ट पाकिस्तान का था। वेस्ट पाकिस्तान का 61% ज्यादा था ईस्ट पाकिस्तान से। 25 गुना ज्यादा मिलिट्री पर्सनल्स थे। वॉर होती है और इस वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान एक कमजोर डिफेंस के साथ रह जाता है।
जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्बैलेंस था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, वो इस वॉर के बाद और उभर के आने लगता है। इसी रीजन से एक 6 पॉइंट डिमांड उठाई जाती है ईस्ट पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। ये डिमांड उठाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो कि अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के एक फाउंडिंग लीडर थे। इस डिमांड के 6 पॉइंट्स देश हिला देने वाले होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ही इसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए और जो ईस्ट पाकिस्तान का रीजन है उसे और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। जो रिसोर्सेज है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो ईस्ट पाकिस्तान की सरकार को दिए जाए। 2 सेपरेट करेंसीज हो पाकिस्तान में, एक वेस्ट पाकिस्तान के लिए, एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए। ईस्ट पाकिस्तान के अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन रिजर्व्स, इनफैक्ट एक सेपरेट मिलिट्री फोर्स भी हो। मतलब ये मांगे कुछ ऐसी हैं कि मानो कि ईस्ट पाकिस्तान को एक अपना अलग ही देश सा बना दिया जाए। ये सुनकर ऑब्वियसली वेस्ट पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सारी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इनफैक्ट वेस्ट पाकिस्तान की सरकार कहती है कि इस तरीके की डिमांड्स उठाना एक सेपरेटिस्ट मांग है।